आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सिक्सटी फोर्थ बी में आपने ट्वेंटी फिफ्थ रैंक ले लिया और अब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सिलेक्शन आपका हो चुका कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन थैंक थैंक यू यू सर सर सो मच अच्छा लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है सुकून मिला है थोड़ा सर स्ट्रगल के बाद आप जैसे जानते हैं सक्सेस फिक्स प्रोग्राम आपके जैसे ही लोग जो संघर्ष करके एक स्ट्रगल करके सिलेक्शन में आते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम बनाया जाता है

अर्चना हमारी कोशिश यही होती है कि खास करके जैसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं डाउट्स स्टूडेंट को जब तैयारी करना शुरू करते हैं बीच में होते हैं तो आपके जैसे कैंडिडेट ये अपने सक्सेस स्टोरी को या स्ट्रैटी को जब मेरे साथ शेयर करते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता हूँ कि ताकि उनको सब चीजें और कहीं ना कहीं कनेक्ट करके वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें और सक्सेस प्लान बने तो इसलिए आपको जो भी बिल्कुल ऑनेस्टली आपके मन में जो कुछ भी रहा है वो आप सब मेरे डिस्कशन में शेयर करते रहिएगा ओके राइट सबसे पहले ये जो शुरुआत है अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं क्या फैमिली बैकग्राउंड है और एजुकेशन आपका क्या रहा कैसा आपका सर uh, मैं यहाँ पटना बिहार से रहने वाली हूँ uh, मेरे फादर हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं और मेरी माता जी होम मेकर हैं और मैं सर मेरी शादी भी हो चुकी है सर और uh, मेरे हस्बैंड अभी ई लर्निंग कंपनी में मैनेजिंग uh, डायरेक्टर के पोस्ट पे है कंपनी भी उनकी ही है और मेरे फादर इन लॉ सर दानापुर में एक सिविल ये के बहुत बड़े वकील हैं सर तो यही मेरी छोटी सी फैमिली है सर बहुत अच्छा बहुत आपकी जर्नी में एजुकेशन में कैसे रहा कहाँ कहाँ पढ़ाई की आपने कैसे आगे जर्नी शुरू की आपने सर मैंने स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिया भोजपुर से किया था सर टेंथ तक और इलेवन ट्वेल्थ मैंने माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना से किया उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया सर

तो इनिशियली मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और फिर इस बीच में ही बीपीएससी देने का मुझे मौका मिला तो फिर मैंने बीपीएससी की परीक्षा देनी शुरू की सर बहुत बढ़िया तो इसमें आपने इसका आप जैसा मैं जानता हूँ आपने से भी हो रहा था। पहले भी आपके अटेम्प्ट में बीपीएससी में एक सिचुएशन बना एक जहाँ सिलेक्शन हो सकता था फिर रह गया हुआ क्या था उसमें सर एक्चुअली जो मेरा पहला जो अटेम्प्ट साठ बासठ का जो मैंने दिया था तो उसमें मैंने पूरा फाइनल इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई थी

तो आगे इसके आगे इसके मेरे ख्याल से आप यूपीएससी के लिए भी आगे ट्राई जरूर करेंगे तो अभी एक है अब आपकी मैरिज भी हो गई है इस आपका लंबा सफर भी हो गया है, समय में एक इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आइडिया है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम क्योंकि नॉर्मली लोग एक दो अटेम्प्ट देते हैं ये एग्जाम देने से पहले मोटिवेशन बहुत वीक चलता है तो आपको यदि पूछूं कि आपने आपको कैसे मोटिवेटेड रखा और आगे भी आपकी मंजिलें आगे बाकी हैं तो उसका पीछे मेन क्या रीजन है सर रियलिटी तो यही है सर कि हर किसी का मोटिवेशन डाउन होने लगता है जब दो तीन फेलियर आपके साथ आने लगता है सर बट इस सब में इस सबसे बड़ा रोल प्ले मेरी मदर इन लॉ ने किया सर वो हमेशा कहते रहती थी कि जब तक टाइम है और अटेम्प्ट है यही देना और पीछे मत हटना तो उनका बहुत बड़ा हाथ है अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर कोविड की वजह से हम लोग उनको खो दिए ओह oh, तो okay. उनका बहुत बड़ा हाथ है आज मेरे मेरे सक्सेस में वो है नहीं मेरे साथ तो मैं बहुत मिस करती हूँ उनको सर ओके ओके लास्ट ईयर उनका स्वर्ग हो गया राइट right? स्वर्गवास हो गया लास्ट ईयर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी तो किसी के कहीं सुनने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट मिल जाता है yes. जो दुख की बात है आज वो होती है तो कितनी एक्साइटेड खुश होती है आपके साथ में शायद उनका भी हम इंटरव्यू साथ बैठ के ले रहे होते कि आप अपनी खुशी को बताए यदि भी उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेगी और अब ये कि देखो जो स्टार्ट है कैंडिडेट को नॉर्मली चाहे किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट को एक डर सर आता है क्या इस आपका अनुभव क्या कहता है कि चाहे बीपीएससी हो या पी में क्या आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या ब्रिलियंट होने की ज़रूरत है या या इसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है सर जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत इंटेलिजेंट बहुत ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जो नॉ कोई भी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ थोड़ी हो और आप मतलब अच्छा एक्सप्रेस कर सके जब कुछ लिखना हो तो और बाकी सर आपका एक हार्डवर्क और एक स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर किसी में भी सर मैंने देखा है ये क्या आप ये अच्छा चुकी, आप अर्चना अब अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर गई हैं आप थोड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस बताइए स्ट्रेटजी की भी चर्चा आपकी करेंगे

तो में एक तरह से होती है सर कि इतना लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, इस तरह से आप को भी जानते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं के लेकिन बनाता है तो बहुत डिफरेंस होता है सर इसमें ये तो एक पॉइंट हो गया चलो की क्या की एग्जाम से रिलेटेड की स्कोरिंग बट इम्पोर्टेंट ये है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में होते हैं जो एक्सपेक्टेशन है और जो एक्सपेक्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जामिनेशन में ये आपको क्या फर्क दिखाई देता तो है सर इसमें सर फर्क ये होता है कि यहां जो यूपीएससी हो या बीपीएससी के एग्जाम में जो हो वो बहुत डायनेमिक होते हैं उसको हर तरह से आपको कवर करना पड़ता है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू देना पड़ता है कि आप उसका सोलूशन बताना होता है कोई भी क्वेश्चन का कि आप एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे उसको टैकल करते हैं तो मेरे समझ से तो ये होता है सर हर क्वेश्चन में एक ये वेरी नाइस मैं यही सुनना चाह रहा था कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में आपकी एकेडमिक एक्सलेंस क्या है नॉलेज कितना गैदर किए या पी एच डी कर रहे हैं रिसर्च क्या करें लेकिन यहाँ क्या है एक बेसिक टेन प्लस टू का सिलेबस और ग्रेजुएंट लेवल का ऑप्शन सब्जेक्ट है आपके बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स को देख रहे हैं yes. एक ब्रॉड परस्पेक्टिव को देख रहे हैं कि कैसे आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो वहां आप कैसे इसको यूटिलाइज करोगे दिस इज नाइस आपने जो बात करी इसमें अब ये एक बेसिक स्ट्रैटी जिसे कहते हैं ना बढ़िया होनी चाहिए तो आपने इस एग्जाम से चूंकि एक बार नहीं भी हुआ इस बार अच्छे रैंक आ गए तो जो में में आपने शुरू बनाए और जो करेक्शन किए वो थोड़ा उसके बारे में जरा बताइए सर अगर इसमें पीटी का करें तो पीटी में तो हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी मेरी मैंने क्वालिफाई किया पीटी हर बार लेकिन मुझे मेंस के मार्क्स इंप्रूव करने थे मेंस के मार्क्स में ही मैंने अपनी चेंज की थी स्पेशली ऑप्शनल के लिए क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल है सर और बहुत टाइम टेकिंग भी है तो इसलिए मैंने ऑप्शनल की तैयारी पीटी से पहले ही शुरू कर दी थी और उसमें वो सारे टॉपिक जो मेरे स्ट्रांग रहे हैं उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और इस तरह से और सबसे बड़ा चीज़ ऑप्शन में मैंने प्रैक्टिस को रखा मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस की जितनी ज़्यादा हो सके तो आज मतलब ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा रोल है मेरे रैंक को इम्प्रूव करने में मेरे मार्क्स को इम्प्रूव करने में सर और जीएस की बात है तो जीएस में आंसर राइटिंग में स्पेशली मैप्स फिगर्स इन सब को डालने पे मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स के जो इंटरव्यूज थे उसमें देखे उनकी स्ट्रैटी देखी तो उन्होंने भी बताया कि जब आप बहुत सारे वहाँ पे बातें अगर मैप्स के थ्रू या फिगर्स के थ्रू बताते हैं तो इम्प्रेसिव भी होता है और वो आई कैचिंग भी होता है एग्जामिनर के लिए वो आपकी बातों को पकड़ लेते हैं कि आप हाँ, आप क्या कहना चाहते हो आप कौन कौन सा सोल्यूशन दे रहे हो तो मुझे वो चीज काफी अच्छा लगा और मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस की और मैंने अप्लाई किया इस बार के आंसर राइटिंग में उसको सर बहुत अच्छा मेन्स के ऊपर में आपने किया लेकिन यहाँ जो नए जो लोग शुरू करने जा रहे हैं या मान लो लोलिम्स में स्टक हैं राइट क्योंकि आपने हर बार प्री क्वालिफाई किया है उनको आप यदि कुछ स्ट्रेटी सजेस्ट करें तो काफी अच्छा रहेगा वो क्या कहना चाहेंगे उसके साथ सर अगर अगर स्पेशली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का देखें तो वो यूपीएससी की तरह बहुत एनालिटिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं सर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फैक्ट बेसिस होते हैं तो इसमें आपको क्रैम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप फैक्ट्स को क्रैम करिए तो उसके लिए है आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें आप नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज करें तो वो चीजें आपके दिमाग में रहती है क्योंकि फैक्ट्स हम जल्दी भूल जाते हैं अगर आप एनालिटिकल चीज़ें हैं कि कोई क्वेश्चन है कि कैसे है क्या है उसका मतलब एम क्या है तो वो चीज़ें हमें याद रहती है लेकिन कब कौ, कौन सा इवेंट कब हुआ था किस डेट को हुआ था किसने पार्टिसिपेट किया था ये चीज़ें थोड़ी भूलने लायक होती हैं तो इसके लिए मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो किसी भी इवेंट का जो मोटो हो वो मेन्स के लिए मैंने अलग लिख लिया और जो छोटे छोटे इवेंट्स के जो ये रहते थे जैसे कब हुआ कहा हुआ तो ये सब मैं अलग से एक नोट डाउन कर लेती थी तो ये हिस्ट्री पढ़िए स्पेशली क्योंकि हिस्ट्री के, right. right. तो के क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं और अगर आप नहीं थॉरली पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन निकल जाते हैं इसमें आपने चर्चा की तो ये कि किसी भी चाहेंगे okay. कि बना रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करें उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे और एनसीआरटी के क्या रोल रहेगा वो जरा बताए सर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन तो उसको तो सबसे पहले एनसीआरटी के थ्रू चाहिए और एक अपना बेस बनाना बहुत जरूरी है और एनसीआर इसके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है जिससे आप अपना बेस बना सकते हैं और आप एनसीआरटी के टेंथ तक की बुक आप पढ़ें हिस्ट्री की जोग्राफी की और जोग्रफी का कुछ अगर एडवांस है तो इलेवेन्थेल्थ है सर उसके लिए अलग अलग फिजिकल जोग्राफी और जो ह्यूमन जोग्राफी है तो उसके लिए एन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और स्पेशली आप उसमें अंडरलाइन करते रहे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको एक पहले बार पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है सर एन को पढ़ने में तो आप उसको पढ़ के अंडरलाइन कर लेते हैं तो जब आप सेकेंड रिविज़न थर्ड रिविज़न डालते हैं तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और वो चीज़ें आपको याद होते जाती हैं तो इससे आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें या और भी दूसरे स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे बहुत आसानी मिलती है

तो आपने अपने नोट्स किस प्रकार से बनाए सर मुझे जब मैं कुछ लिखती हूँ तो ही मुझे ज़्यादा याद रहता है सर तो मैं जितना भी कुछ चाहे वो करंट अफेयर्स में ऑनलाइन पढ़ूँ या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ूँ मैं उसे नोट डाउन जरूर करती थी क्योंकि जैसे सब पापा मेरे कहते थे और टीचर्स भी कहते कि आप जितना लिखते हो कोई चीज़ें तो आपके मेमोरी में ज़्यादा रहती हैं तो वो मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए अपने ए शीट पे बनाती थी मैं और, और हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री का अलग जोग्राफी का अलग क्वालिटी का अलग

कि हमारा जो माइंड है वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में kind of of artistic, uh, trait, जो उसका तो वो चीजें आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है और जा, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया तो डिजिटल फॉर्म में हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो तो वो उतना रिकॉर्ड नहीं करेगा जितना कि आप उसी चीज को अपने में लिख लेंगे तो इसलिए जो आप कहना चाहते हैं आपके ऑडियंस को मैंने यही बताने की कोशिश की है कि मेक ए हैबिट राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट और जितना आप लिखोगे पढ़ करके अपने पॉइंट को नोट करोगे जैसे दो घंटे पढ़ाई की तो आधे घंटा सोचिए उसको लिखिए समथिंग लाइक दैट लाइकनेशन एव चोइ एंड मस्ट गेट रेडी फॉर द फाइनल डे के छोटे छोटे नोट्स बना के रखें ताकि क्विक रिविजन भी कर सके राइट क्योंकि ये सवाल भी आता है कि पढ़ते और भूल जाते हैं तो ये तभी होगा जब आप लिखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे करेक्ट

तो अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जरूर फिफ्थ ऑप्शन का ध्यान जरूर रखें क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ इस फिफ्थ ऑप्शन की वजह से उनका पीटी बहुत बार क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे ट्रिकी वो फिफ्थ है मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि उसको जरूर ध्यान में रखें उसको एकदम इग्नोर नहीं करें जब आप प्रैक्टिस भी करें तो वो फिफ्थ ऑप्शन डाल के प्रैक्टिस करें अपने टेस्ट सीरीज में या खुद से भी करें तो, तो वो है और दूसरा है सर टेन मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है बीपीएससी में

मेंस की बात है अपने राइटिंग स्किल की बात कर ही दी लेकिन यदि सब्जेक्ट वाइज हम आपको पूछें ब्रॉडली जितने सब्जेक्ट हैं उनमें कि कौन कौन सब्जेक्ट में कैसे कैसे अपनी स्ट्रेट लाने थी रेंज शार्टी की भी बात हमने कही आपसे लेकिन करंट अफेयर जो है करंट अफेयर जो कि डायनेमिक हो जाता है तो उसके लिए आपने क्या किया जो लोगों को एडवाइस करना चाहिए क्या नेशनल डेलीज पढ़ती थी या आप जो है बिहार के स्टेट के न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उसको कैसे रेलेवेंट समझ करके तैयारी किया सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैं शुरू से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ही फॉलो कर दी थी तो वो मेरा उसका एडिटोरियल हो या फिर उसका जो एक्सप्लेन होता है सर वो मेंस में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि बीपीएससी मेंस का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ़ होते हैं मतलब अगर कहें तो लेवल अच्छा होता है उनका तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होती है क्योंकि इस क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर से थोड़े क्वेश्चन गेस भी हो जाते हैं कि हाँ इस बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे

सर पहले तो आप सबसे पहले आप जब यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे मेंस का तो वो बहुत डिफाइंड है सर उसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सा आर्ट है वो डिफ़ाइंड है और जब करंट अफेयर्स में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन साइंस एंड टेक एंड नेशनल करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें उसमें डिफाइंड है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप उस न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे जैसे कोई इंटरनेशनल इशूज़ है स्पेशली अगर बीपीएससी का देखें तो वैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन जिसमें इंडिया का कोई रोल होता है इंडिया का स्पेशल रोल होता है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े यूएन है डब्ल्यू है इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसपे आपको हमेशा अगर इससे कोई रिलेटेड इवेंट हो रहे हैं तो आप उसको फोकस करें या फिर इंडिया के जो या फॉरेन मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं

और अपने अच्छा किए बहुत लोग मैथ्स लेकर के नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शनल जिनको बीपीएससी की तैयारी करनी है उसको अपने आप ऑप्शनल क्या लेंगे क्योंकि बीपीएससी में जैसे अगर मैं मैथ्स का कहूँ तो जो सिलेबस है वो यूपीएससी से ज्यादा सिलेबस है तो थोड़े और भी कुछ ऑप्शनल होंगे मुझे उतनी जानकारी नहीं है बट ऑप्शनल

कर भी लिया तो आपको ऐसे सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें जनरली जिनमें भी इंटरेस्ट आपका ताकि उसमें अच्छा आप तैयारी कर सके वेरी राइट right, जो है राइटिंग स्किल का अपने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है से इस एग्जामिनेशन के अंदर सर मतलब अच्छा खासा सर इम्पोर्टेंस है क्योंकि 37 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है सर और तीन घंटे में आपको लिखना रहता है तो आपकी स्पीड के साथ साथ आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके पास कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छा आंसर दे सके अब जैसे तैसे आंसर अगर आप सिर्फ पेपर भरने के लिए देंगे तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे तो इसलिए राइटिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए और उसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है कोई भी यूपीएससी मेंस हो या बीपीएससी मेंस हो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करके क्वेश्चन एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आपस में प्रैक्टिस करती थी आंसर राइटिंग और एक दूसरे से चेक करवाते थे

क्या सीक्वेंस होगा तो उसके बारे में थोड़ा में आप अपना बताइए आपका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार फैमिली में भी हैं यू हैव अ चाइल्ड आल्सो राइट तो ऐसे मामले में आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया फैमिली और वर्क सबको बैलेंस कैसे किया सर मैं छः से आठ घंटे देती थी प्रिपरेशन को लेकिन वो छः से आठ घंटे फुली मेरी प्रिपरेशन के लिए होता था मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी पास ही में करके तो मैं सात बजे से लेकर लाइब्रेरी चली जाती थी अर्ली मॉर्निंग और वहाँ से छः या आठ घंटे मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी तो और इनिशियली जो मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट होता था सर उसमें मैं अपना ऑप्शनल करती थी फ्रेश माइंड से मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो पाता है तो मैं अपने ऑप्शनल के रखती थी तो मैं चार घंटे या तीन घंटे ऑप्शनल करती थी और बाकी के टाइम में मैं जी को देती थी और स्टैटिस्टिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बी पी में तो उसकी प्रैक्टिस करती थी मैं ओके okay. और मतलब ये कि छः से आठ घंटे का लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट था आपका ये नहीं कभी ज़्यादा कभी कम कर दिए और फिर किसी दिन कुछ भी नहीं किए तो ये कैंडिडेट्स को जानना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा आपको बारह चौदह घंटे की प्लानिंग की जरूरत नहीं आप यदि कंसिस्टेंटली सिक्स टू एट आवर्स मेंटेन रखते हैं दैट शुड बी गुड एनअ फॉर यू राइट एक जो है अर्चना एक चीज की होती है हाउ टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन जो है स्टूडेंट का बड़ी समस्या होती है कि पढ़ रहे हैं बहुत लोग मेरे इस वेबिनार में डिस्कशन में इंटरेक्टिव सेशन में ये बात करते हैं कि सर बहुत तो ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते आपको आपकी बात से लग रहा है कि आप कंसंट्रेटेड स्टडी कर रही थी तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि जो कंसंट्रेट करना सीखे सर कंसंट्रेशन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने गोल की तरफ आप फोकस्ड रहें जब क्लियर हो कि मुझे ये करना है तो कंसंट्रेशन बनते रहता है सर मेरे साथ तो यही हुआ कि मुझे जब लास्ट अटेम्प्ट में मेरा अच्छा नहीं हुआ था तो मुझे इस बार अच्छा करना है और अच्छा रैंक लाना है तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में रहेगा कि मुझे अच्छा करना है मुझे अच्छा लिखना है अच्छा आंसर्स देने हैं तो कंसंट्रेशन बनते रहता है कि हाँ मेरा एक गोल है जो मुझे अचीव करना है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका फोकस अपने गोल की तरफ कितना है My name is Kishore Kunal. I had completed my B.Tech from MNLIT and currently I had cleared my 64th BPSC exam. I had got 538 rank and as a post of supply inspector. Chanakya IS helped me in success in a very manner, like in interview process, Sir helped in mock interview and how to build a confidence. And in various arena of personality development and communication skills. I want to say uh, the student of Chanakya IS pursue the guidance of uh, Dr. Krishna sir and his team, uh, guidance, and his strategy in every stage of uh, this exam. And uh, I want to give uh, a lot of my credits to Chanakya IS team and the associates member. Thank you.

फैमिली का एक प्रेशर रहता है तो फैमिली रोल भी बहुत बड़ा प्ले करती है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप इसमें इस सबसे बड़ा रोल मेरे लाइफ पार्टनर का रहा है मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में जब भी मैं निराश हुई बहुत बार मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ वो भी बहुत हो गया तो उन्होंने बहुत ये किया कि छोटी चीज़ें तो पाने के लिए तो हर कोई को मिल जाता है जब कुछ बड़ा अचीव करना हो तो मेहनत करनी पड़ती है तो और वो हमेशा मेरे साथ रहे चाहे वो फैमिली इशूज़ हो या कहीं भी

ये हर किसी को ख्वाब खाब होते वहां तक पहुंचे आप दो बार गई पहली बार आपका नहीं हुआ फाइनली और दूसरी बार हो गया तो एक बेसिक जो है जैसे इंटरव्यू कॉल आया तो आपने तैयारी किस तरह से करी क्या किया आपने सर उस तैयारी में मैंने जो इंस्टीट्यूट्स थे जैसे चाणक्य में मैंने आय के लिए एनरोल कर लिया था तो मैं चाणक्य आई एस में मैंने अपना लास्ट मॉक दिया था उसके बाद मैं अपियर हुई थी इंटरव्यू के लिए सर

प्रोसीडेड थोड़ा बताइए तो सर, सर ये हुआ कि सबसे लास्ट में इंटरव्यू हो गया था तो मैं थोड़ा एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो गई थी बैठे बैठे और इस समय वो मास्क लगाए लगाए सर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई थी बट इम्तियाज सर का मेरा वोट था सर और सर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं काफी अच्छे हैं तो जब उन्होंने सुना कि मेरा थ्रू आउट मैथमेटिक्स रहा है तो काफ़ी खुश भी है बहुत प्रेज किए उन्होंने तो इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और थोड़ा सा

कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन और जहाँ निकली होंगी आप सर मुझसे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था जनरल मैथ्स का जो जनरली जो घर में बड़े लोग पूछते हैं जैसे कि दस गाय है दस गाय को दस परसेंट लाभ पे बेचा दस परसेंट मतलब हानि पे बेचा उस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था सर मुझसे बट वो मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन था बट मैं मेंटली उतना स्टेबल नहीं थे उस टाइम इंटरव्यू में कि मैं तुरंत ही उसका आंसर कर सकूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला लेकिन दूसरे पैनल में जो सर थे उन्होंने बहुत हिंट दिया मुझे कि आप ऐसे करो वैसे करो तो फाइनली फिर वो सब लोग के साथ मिलके सारे पैनल तो तो मैच तो में आपको उन्हें मतलब कोशिश करी है अब आपका सिलेक्शन हो चुका है अब आगे के जो इरादे हैं जो प्लान है आपके दिमाग में वो क्या चल रहे हैं आज का अभी तो सर घर में बहुत सेलिब्रेशन का माहौल है तो अच्छा लग रहा है सब लोग खुश दिख रहे हैं तो थोड़ा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी सर अपना आगे का है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है मुझे और मैं यूपीएससी में ही एक बार ट्राई करना चाहती हूँ बिहार okay, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ओर आप अब अपने नेक्स्ट टारगेट बना रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अब जिस तरह का जुनून है क्लियरिटी है आप जल्दी ही मेरे साथ आई एस वन के भी इंटरव्यू में बैठेंगी बहुत अच्छा कुछ खास जो बेसिक दो तीन टिप्स आप देना चाहेंगे फ्यूचर को वो भी बता दीजिए सर मैं अगर बिहार का अगर स्पेशली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कहूँ तो आप अपने ऑप्शनल पे बहुत फोकस करें बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करें एकदम रिफाइंड क्योंकि आपका ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता है तो आपके रैंक बढ़ाने में भी और आपके मार्क्स में भी और आप जीएस GS में जी वन में जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस होते हैं दो क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सेवेंटी टू मार्क्स के तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें शुरू से तैयारी करें तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी करें और जब आप वहाँ सॉल्व भी करें तो बहुत पीस माइंड से बहुत अच्छे से सॉल्व करें हो सके तो आप स्टार्टिंग में उसको ही सॉल्व करें क्योंकि वो सेवेंटी मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जी में मार्क्स इंप्रूव करने में तो दो चीज़ें हैं और बाकी आप लोग अपने सर के गाइडेंस में, अपने टीचर्स के, की में, आप अच्छे से तो आप इस प्रोग्राम में आप आई अपनी अप बातें अपने बहुत ही सहजता से शेयर की मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ऑनेस्टली अपनी बातें रखी है और को काफी मदद मिलेगी उसका लाभ उसको उठाएंगे थैंक यू वेरी मच अर्चना फॉर कमिंग प्रोग्राम एंड कॉन्च यू forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update